सुबह के 10 बजे और हम आ गए ब्रेकफास्ट करने, लेकिन मेरे दोनों शहजादे अभी भी सो रहे हैं, घर पे भी सोए रहते हैं और यहाँ पे भी सो रहे हैं। कह रहे हमें भी ब्रेकफास्ट करना, लेकिन हमें तो भूख लगी है, हम आ गए ब्रेकफास्ट करने। और हमेशा की तरह यहाँ पे सारा नॉन वेज है और हम है वेजिटेरियन। हम क्या खा रहे हैं? फ्रूट। इसने हमें ज्वाइन कर लिया है, आ गया ब्रेकफास्ट करने। और ये पता नहीं क्या है, पनीर समझ के लेके आया है। ये पनीर नहीं है यार, वे टेस्ट को कहां से मार्केट से लाया खरीद के और जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहे हैं पापा को। आंटी अपने बच्चों को दे रही है खूब तरक्की करो, खूब सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ। मैं लोग पहले कहते थे पढ़ाई लिखाई करो, पैसे करो, अच्छी नौकरी करो। आंटी कह रही है खूब सब्सक्राइबर बढ़ाओ, खूब व्यूज लाओ। मैं कहां जा रही है दुनिया, मजा ही आ गया है ना ब्रेकफास्ट करके। इसीलिए कहती हूँ बेटा मान लेनी चाहिए बात मम्मी पापा की। देखो नोनू उठ के भी आया, वो उठ के ही नहीं आया, वो कहता मैं तो ब्रेकफास्ट करता ही नहीं। बाप होता है बेटा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं सुपर मार्केट। यहाँ पे मल्लन साहब ने नोटिस करा कि यहाँ पे 24/7 भी है, तो हमने सोचा कि अपना रूम के लिए कुछ ले आते हैं। अभिषेक फिर से चला गया सोने, कह रहा आप वॉक करो, निश्चय उठा नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए। तो मलन साहब ने कहा कि उसके लिए कुछ ले आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो मलन साहब की शॉपिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे ना मुझे एक टॉवल पसंद आया है और टॉवल का रेट हमने देखा है तो इंडियन करेंसी में ना 1400 रुपए का एक टॉवल पड़ रहा है। तो मलन साहब कह रहे हैं छोड़ 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 इंडिया तो ले ली जाके। तो फाइनली हमने शॉपिंग कर ली, फर्स्ट शॉपिंग वो भी ग्रोसरी की। तो हमारा पिकअप अभी 4 बजे है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पूल में एंजॉय करें और ये करने लगे अब यहाँ पे स्विमिंग, स्टीम, सोना। और उससे पहले कह रहे रिलैक्स हो जाए, पूल में भी स्वैग। और ये व्यू है हमारा, क्या हुआ काम टू दुबई। पर तेरी तेरा तो अच्छा है ना कि पूल में रेस्ट हो रही है, वो देखो जो रूम में ही रेस्ट कर रहा है। हम एक्चुअली ना पूरा घूम भी है, स्विमिंग कर रहा है, मस्ती कर रहा है, पार्टी कर रहा है, ब्रेकफास्ट भी कर रहा है, पर वो लड़का अभी भी सो रहा है। अभी भी सो रहा है। ऐसे चलेगा गाइस। Later that same evening. अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि हमारी कैब आने वाली है। और ये देख अभी भी मेरे को बार बार बोली जा रही है आधा कप चाय पिला दे फिर मैं तैयार हूँ, मैं आधा कप चाय पिला दे। और ये देखो उठ जा भाई, तैयार हो जा। माय गॉड, तो फाइनली ये उठ गया है। देखो 4 बज चुके हैं, 4 से भी ज्यादा टाइम हो गया। yes. अभी बाल ही सेट करी जा रहा है, नीचे कैब आ गई हमारी। वेकेशन पे अपना तो मतलब सिंपल है, सोना। तो पहुंच गए हम दुबई मॉल घूमने। अभी बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है कि मैंने जब ऐसे करके देखा तो मैं देखता ही ऐसे देख रहा तो मैं तो नीचे को तो देख रहा था। इस दुनिया में बुर्ज खलीफा से ऊंचा बस एक चीज है, हमारा भाई इसको बुर्ज खलीफा भी ऐसे देखता है, कह रहा है इसकी मुंडी का है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख। वो देखो पापा चले गए, वो देखो उनको ज्यादा जल्दी है, वो अपना जाई जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है सामने मेरे एजेंट ने देख लिया, किसी की वेट नहीं कर रहे। ये मम्मी अपना भी हेलो है और पुंडी को देख रहा है। अब हम ऑफिशियली पूल के अंदर आ गए हैं, सबके फोन निकले हुए हैं। भाई ये हेलो, वही कुछ करके दिखा, वो देख क्या कर रहा है, कुछ करके दिखा, क्या कर रहा है, तेरे दंत बड़े निकले हुए हैं। दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं, वही कुछ करके दिखाइयो। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पर हम ऑस्ट्रेलिया में ऐसा जा चुके हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। अरे नहीं ऐसा ही एक्वेरियम। अरे मम्मी से मत पूछो, मम्मी को कुछ नहीं याद रहता। देखो बचपन में माँ बाप हमें घुमाते थे, अब हम माँ बाप को घुमा रहे हैं एक्वेरियम, देख के कितने एक्साइट हो रही है मछलियाँ। ओ मछली मछली है, यू आर वेरी प्रिटी बट यू आर नॉट अ फिश, यू आर अ मगरमच्छ। इनको देखो ये अलग ही अपनी दुनिया में है। You didn't have to cut me off. ये देख कैसे पड़ी हुई है, ये देख कि क्या निकले हुए हैं, ये भी तेरा एम्पायर है, ये कुछ करके दिखाओ। हेलो ये तेरा जैसी है, ये तक गई है।
एक बात बता, जैसे ये लोग इसके अंदर है, हमें भी जाना है क्या? जा सकता है अगर तेरा मन। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। अरे कर रखी है भाई, स्कूबा डाइविंग कर रखी है, फिर से नहीं करनी। एक्चुअली मैं तो फिश ही हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जलपरी है। और ये कौन है? ऑक्टोपस। आप फोटो का वीडियो खींच रहा हूँ मैं। अरे ये देखो शार्क आ रही है। शार्क, शार्क टैंक। नीचे भी तो हम एक्वेरियम में इधर फिर आ गए ऊपर। ये राउंड टू है भाई। जू है। आ जाओ भाई जू। क्या मस्त लग रहा है। तोता। और अभी बंदर आएगा। इतनी मेहनत के बाद मुझे नोनो मिल गया। बंदर भी मैं ही हूँ, पॉटर भी मैं ही हूँ, हैरी पॉटर भी मैं ही हूँ। और वो देखो कहाँ गई है। ये देखो यहाँ पे घूमते घूमते भूख लग गई। सारे फ्लेवर अच्छे लग रहे हैं, इसलिए चलो जी यहाँ पे रुक जाते हैं। ये बच्चा है। हाँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो करा नहीं इसने बेचारे ने, क्योंकि कह रहा मेरे असूल के खिलाफ है ना। अबू मिल गया एलिगेटर। I mean, वो क्रोकोडाइल है, बट एक ही बात है। Who cares when you get mango ice cream? छोटे से बच्चे ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए शौकीन है। फोटो खींच दे भाई। इधर देखो चश्मा उतारो शांत। यस वाइट टर्टल कभी नहीं देखा, कभी नहीं। अरे कभी देखा? गुड्डा है। कभी देखा? वेरी ओल्ड। हाय इसको भी नकली बोल रहे थे तो उसने भी मुंह खोल के दिखा दिया। A few moments later, हम अपना चल रहे हैं पीछे आराम से, फिर देखते हैं। पापा जी तो पता ही नहीं कहाँ चले जा चुके हैं। हेलो, where are you going alone? Guys, ये देखो हम यहाँ पर और वहाँ पर लाइन देखो, ये लाइन घूमेगी घूमेगी घूमेगी, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम घूम के वहाँ जाएंगे। चलो चलो ब्रेक द रूल्स। I am joking. तो गाइस अब हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के टॉप पे। कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली ना हमारे कानों में वो टंगर नंगर 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 ये मेरे डांस बज रहा है। मम्मी पूछती कि तुम प्रीमियम, तुम जब फ्लाइट्स में जाते हो तो बिजनेस क्लास क्यों नहीं लेते, प्रीमियम वाली सीट क्यों लेते? मैं कहा ब्रो आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम कार्तिक आर्यन, आई ट्रैवल इकोनॉमी ब्रो। हां अभी पता क्या हुआ, बेसिकली यहां पे ना तीन टाइप की लाइन है, ए बी सी कैटेगरी। सी जो है सबसे सस्ती वाली है, ये सबसे महंगी है। हम सी में थे तो जो छोटे छोटे से बच्चे अभिषेक के और ऐसा आके पूछ रहे हैं भैया, मतलब अभिषेक के फैंस छोटे छोटे से, तो वो इसको देख के कहते हैं अरे आप तो वीडियोस में लाख लाख दो दो लाख ऐसे दे देते हो और लाइन आप सी क्लास में खड़े हो। भाई वो लाख दो लाख देने के लिए भी ना पैसा बचाना पड़ता है, वो तुम समझते नहीं हो। 20-20 रुपए बचा के लाइन पे तभी तो वीडियो में। एक्चुअली मैं तुम्हारे को जेन्युइन बताता हूँ, जब मैं पापा के सामने खर्चता हूँ ना तो उनका दिल हौला पड़ जाता है, तो मैं पापा के सामने बहुत शरीफ बच्चों को बचा के रखता हूँ पैसे। 124वें फ्लोर पे जाना है। मम्मी डर लग रहा है, दिल की धड़कन बढ़ गई। तू क्या कहना चाहता है? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 124 है या 524 है, ले ले सब बराबर है। पापा 124 फ्लोर पे जाना है। एक्चुअली पापा हमारे डेयरिंग में बताए और इन्हीं से मेरे में आया, और ये मम्मी हमारी जो है ये थोड़ी सी डरपोक है, वो अब्बू से सेम है। एक घंटे के ऊपर पापन को हम पैसे बचा के देना चाहते थे इसलिए ऐसा करा। 27th पे आ चुकी है और वो देखो ये वाली 124 पे पहुंच गई है। मम्मी एक मिनट के अंदर अंदर आप 124वें फ्लोर पे आ गए हो, कैसा लग रहा है? लिफ्ट थी ये क्या था भाई, स्काई रॉकेट बूम कर गए। वेरी फास्ट। मैंने तो उस भाई पलक झपकाई और 124। कैसा लग रहा है मम्मी? पता नहीं कानों में कुछ होने, मम्मी के कान उड़ गए भाई। सच में कान तो ऐसा बंद हो रहे हैं। ओहो अब आएंगे व्यू देखने के लिए। आर यू रेडी फॉर द व्यू? रेडी फॉर द व्यू? भाई जहाँ तक देखो खत्म ही नहीं हो रहा। अरे भाई ऊपर 125वां फ्लोर भी अभी पता है, वहां पर भी जा सकते हैं। भाई हम दिन में चढ़े थे भाई, रात हो गई।
और जाओ इकोनॉमी क्लास। और अब 124 फ्लोर से 125 पे जा रहे हैं। हाँ मतलब क्या ही अलग होगा। 124 पे जाके तो फोटो भी तो क्लिक करेंगे। 124 है और 125 प्लस 1 है। बस यहाँ थोड़ी सी हवा अच्छी है, नीचे से ज्यादा अच्छी हवा है। ये फ्लोर सही है, थोड़ी ठंडी हवा है। अब चलेंगे पेट पूजा करने का। पेट पूजा पे काम पूजा। बाय मम्मी, बाय।